फिलहाल सफर हो चुका है शुरू और हम आ चुके हैं NH2 पे, लेकिन आपको शायद से पता नहीं होगा कि हम लोग जा कहाँ रहे, इसीलिए मैं लेके चलता हूँ आपको टाइम में थोड़ा पीछे और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो विद दैट सेट लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हो रहा है 6 अगस्त और सुबह के बज रहे हैं 10:30 से हमारे एग्जाम्स है। अभी मैं कर क्या रहा था आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट के देख रहा था एनीमे, क्योंकि एनीमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी ने मोटिवेशन दी है पूरा लॉकडाउन काटने के लिए, और काफ़ी इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स भी रहते हैं, इसलिए यू शुड वॉच एनीमे। सो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं ख़त्म और खुशी का ठिकाना नहीं है, तो इसी खुशी को एम्पलीफाई करने के लिए हम जा रहे हैं शहर के शोर शराबे से कहीं दूर, कहीं खेत खलिहानों के बीच में, जहाँ के खूबसूरत नज़ारे शायद से आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने एक फैमिली फंक्शन को अटेंड करने एक जगह में, जिसका नाम है खमारगाजी। नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन जगह काफ़ी खूबसूरत है। सो बेसिकली ये जगह वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है और कल्याणी के बहुत नज़दीक है, तो ये उस एरिया में, उस रीजन में पड़ता है, और बाकी की जितने इन्फॉर्मेशन है मैं डायरेक्ट आपको रोड से दूंगा। तो अभी हम हैं NH2 पे और FM का मज़ा उठाते उठाते जाया जा रहा है सीधा वेस्ट बंगाल की तरफ। जो इंटरस्टेट पास था वो अभी रिक्वायर नहीं हो रहा है, तो फुली बंद हो गया होगा, और नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत। तो धनबाद से मेरे लोकेशन का डिस्टेंस दिखा रहा है 241 किलोमीटर, आप लोग अभी देख सकते हैं गूगल मैप पे, इतना डिस्टेंस बाई कार दिखा रहा है, लेकिन पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है। बारिश भी हो रही है, FM भी चल रहा है फर्स्ट क्लास, और आप उठाइए अब नज़ारों का मज़ा। फिलहाल अभी आ चुके हम लोग वेस्ट बंगाल और क्रॉस कर रहे हैं आसनसोल, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है कि सन प्रोटेक्टर हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम लोग जो भी है उससे धूप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री फायर खेलते हैं तो ये दो है मिल्टा पावर की चिमनियाँ, इन्हें हमारे कॉलेज से नाम दिया गया मिल्टा पावर, क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा सही रहता है। और ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, एक बार हुआ क्या था, यहाँ से प्लेन डिसमेंटल होने के लिए जा रहा था, तो ट्रेलर के ऊपर प्लेन था और प्लेन यहाँ पर अटक गया था, इसलिए थोड़ा ब्रिज से बीच से ऐसे टेढ़ा है बीच वाला, अभी भी इसको ठीक नहीं किया गया है जो भी है। और फाइनली जंक्शन मॉल दुर्गापुर। लेकिन इधर हूँ मैं, इसलिए पूरा नहीं दिखेगा शायद। कॉलेज तो बोले
मस्ती मिस कर रहे हैं सब लोग, मस्ती मिस हो रहा है कॉलेज से, खतरनाक वाला। अभी दुर्गापुर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको अगर पता चला मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ तो आठ खाएंगे मुझे, लेकिन होपफुली जल्दी मुलाकात होगी। तो यार कभी अगर आप झारखंड की तरफ से होते हुए कलकत्ता की ओर जा रहे हो तो बीच में एक जगह पड़ता है शक्तिगढ़, जहाँ का लैंगचा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यू शुड स्टॉप एंड गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम। तो हमने के लिए यहाँ थोड़ा टाइम पास किया और थोड़ा ब्रेक भी लिया। अभी पहुंच चुके हैं और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसीलिए मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँ यहाँ पे, लाइट भी थोड़ी कम है। तो मिलता हूँ आपको कल सुबह।